थिएटर देखो है नाट्य के दर्पण इंडियन थिएटर एकेडमी और ऊर्जा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं सरहदें, लेखक असगर वजाहत, निर्देशन मंदार वैद्य। तो आइए देखते हैं सरहदें। दाल दस खां शहर लाहौर अंदर, बड़ी शानदार है। अब्बू, बड़ी शानदार है। अब्बू, चुप है। चुप, 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 चुप,
मतलब किसी हिंदू रईस की लगती है। हाँ, कोई कह रहे थे कि किसी मशहूर जौहरी की हवेली है। जौहरी की? सारे कमरे खोल के देख लो अब्बा जान, हो सकता है कुछ सामान वगैरह मिल जाए। आप कमरे खोल कर देख लीजिए, हम तो यहाँ बैठ जाते हैं। ये हवेली अलर्ट हो जाने के बाद ऐसे लग रहा है मानो सर से बड़ा बोझ लग गया। पूरी हवेली देख लेता हूँ। भैया मैं भी चलूँ? नहीं नहीं, जरा बाबरची खाना देख लीजिए। होटल से गोश्त रोटी कब तक आता रहेगा? माशाल्लाह से सब कुछ ठीक है तो हल्के हल्के पराठे और अंडे का खा के ना तो मन ही सकता है। बेशक बेशक बेटा जावेद जी, हर कमरे में जाकर बिजली जलाकर देखिए और पानी के नल भी खोलकर देख लीजिए। देखो इस घर में जो जो कुछ कमियां हैं उन्हें दर्ज करके कस्तूरी वालों को कहना हो। जी ठीक है। मेरा तो दिल डरता है। डरता है वो क्यों? ना जाने किसकी चीज है, किन अरमानों से बनाई होगी उसने। फुजूल की बातें मत कीजिए बेगम, हमारे पुछते ही घर में भी कोई पनाही इस वक्त दंगनाता घूमता होगा। ये जमाना ही कुछ ऐसा है। अब दिल से ये सब डर वर निकाल दीजिए, इस घर को अपना समझिए और जम जाइए। बिस्मिल्लाह। अम्मी 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 अम्मी, हमारे घर में कोई है? अम्मी अरे कोई है? आप कुछ बात कर रहे हो? अरे डर गई है, मैं देखती हूँ। चल अम्मी, चल 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 मैं देखती हूँ। हुआ है सरकारी तौर पर। मैं कितने नहीं जाना,
मैं तो ऐसे ही रवानगी। देखिए मोहतरमा, आप हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन आप अपनी जिद पर अगर कायम रही तो हमेशा यार। मैंनू मार के रावी विच रोड़ा, तद तुसी इस हवेली ते कब्जा कर लेना, लेकिन मेरे जिंदा रहने इंज नहीं हो सकेगा, नहीं हो सकेगा। या अल्लाह, अब ये क्या मुसीबत आ गई? अजी आप जाइए, आजकल तो शराफत का जमाना ही नहीं है, आप अभी की अभी कस्टमर के ऑफिस जाइए। पुत्र, तू जिसनो चाहे जाके बुला लिया, जान तो ज्यादा था कुछ नहीं ले सकन ये मेरी जान, पुत्र मैं देन नु तैयार ना। समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। अजी आप जाइए अभी कस्टोडियन के ऑफिस, हमें ऐसा मकान अलॉट ही क्यों किया जो खाली नहीं किया जा सकता। बेटा जावेद, प्रॉपर्टी के कागजात कहाँ है? बेटी बेटी, हमें जरा थोड़ा पानी पिलाइए। पानी? पुत्र पीछे टूटी चीर पानी आ रहा है, जाओ उधर ले ले पानी। देखिए हम आपको बताए देते हैं, पुलिस ने आप पर ज्यादती की तो हमें भी तकलीफ होगी। तो मेरे उत्रेज कैर पै चुकिया है, उस तो वड्डा कैर पै नहीं सकदा, जवान मुंडा नहीं रहा, सगे संबंधी मारे गए, लखां दे जवाहरात लुटे गए। तो बुआ अब तो होश संभालो, हिंदुस्तान चली जाओ, अपने लोगों में रहो। ईश्वर दी दार, जब मेरा पुत्र ही नहीं मेरे को, तो मैं कितने जाना है, कितने जाऊं? तो बेटा हम जाते हैं कस्टोडियन अफसर के पास। बच्चन, मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं, आप यही रुकिए, हो सकता है इस बुढ़िया ने शायद कुछ और लोगों को इस घर में छुपाया हो। ना ना पुत्र, मैंनू छाड़ के इत्थे कोई नहीं है, पुत्र कोई नहीं है मैंनू छाड़ के। नहीं बेटा, तुम यही रहो। खुदा हाफिज मिर्जा साहब। खुदा हाफिज। तन्नो जी अम्मी। हाय मेरी बेटी तन्नो जी अम्मी। आपने बावर्ची खाना देखा? जी अम्मी। सुनो, तो हमारे पास बर्तन तो है ही, अब तुम जल्दी जल्दी खाना बना लो। नहीं अम्मी, मैं नहीं बनाऊंगी। सुनो, तुम्हारे अब्बा के लौटने तक खाना बन जाए तो अच्छा है। नहीं अम्मी, मुझे नहीं बनाना खाना। अरे बेटी जान। नहीं अम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। जान। नहीं मैं। अरे जान। नहीं अम्मी। अरे बोल जान। हमेशा मुझे ही बोलते हो, ये बैठा रहता है, इसे कभी कुछ नहीं बोलते अब। हाँ अम्मी, अब क्या हुआ? खाना बनाने के लिए लकड़ी और कोयले तो है ही नहीं, खाना काहे पे पकेगा? नहीं पकेगा। पुत्र मेरी गल सुन, ओथे पीछे बरामदे च खब्बे पासे छोटी कोठड़ी च लकड़ियां भरियां पईयां ने, जा उधरो लकड़ियां ले ले ते खाना बना ले। क्या अम्मी, अब तो मुझे रोटी और सब कुछ करने के लिए। साफ साफ बताइए, पहले क्यों बुझा रहे हो? देखिए
जो हवेली हमें अलर्ट हुई है वहां पे एक बुढ़िया रहती है। क्या मतलब, मसला क्या है? उस घर में एक बुढ़िया घर बसाए बैठी है, कहती है कि उनके रहते हुए वहां और कोई नहीं रह सकता। आप हमें पुलिस दीजिए ताकि उस कमबख्त से हम हवेली खाली करवा सके। एक बुढ़िया को हवेली से निकालने के लिए आपको पुलिस की जरूरत है? हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो बुढ़िया हवेली से चली जाए, बस। आप हमारी दरख्वास्त कस्टोडियन अफसर से कीजिएगा। मिर्जा साहब, आप जानते हैं हमारे कस्टोडियन ऑफिसर जनाब इसका क्या उपाय बताएंगे? क्या बताएंगे? पता है, आपके नाम कोई दूसरा मकान अलॉट कर दिया जाएगा। जी जी, दूसरा? मिर्जा साहब, आप किस्मत वाले हैं जो लाहौर के बीचों बीच इतनी बड़ी हवेली नसीब हुई है। आपके दरख्वास्त देते ही आपका परिवार और वो बुढ़िया चले जाएंगे किसी कैंप, क्या कहते हैं उसे, रेफ्यूजी कैंप, और कोई सिंधी आपके शानदार हवेली में दंडनाटा मिलेगा। या अल्लाह, समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करें? अरे चुप रहिए मेरा साहब, बुढ़िया ना हुई शहर हो गया। क्या आपको खाई जा रही है? क्या आपको मारे डाल रही है? क्या आपको हवेली से निकाले दे रही है? नहीं ना, बैठिए आराम से। वैसे क्या आप बताते हैं उस बुढ़िया की? यही कुछ 65-70 साल होगी। चला दो चार साल में बुढ़िया क्या जहन्नुम जहन्नुम वासिल हो जाएगी। उस हवेली पर आप ही का कब्जा होगा, आराम से रहिएगा। कसम खुदा की बिना वजह परेशान हो रही है, चलिए जाइए। अरे जाइए जाइए, अपने तशरीफ का टोकरा लेकर जाइए, न जाने कहां कहां से आते हैं। वजह फरमाते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे मुई जा।
जो गली की गली ही अलाट हो गई। ओए वो मोहिंदर कन्ना वाला मकान किन्नू अलाट हुआ है? किन्नू है? कोई शायर है नासिर काजमी। तब गया मोहिंदर कन्ना दाबी मकान। गया उस्ताद। ओए वो जोरी दी हवेली था क्या बना? ओए अरे कौन सा जोरी उस्ताद? रतनलाल जोरी। रतनलाल जोरी। अरे वहां तो परसों ही कोई आया है तांगे पर सामान वामान लाद कर। उसका लड़का कल ही इधर से दूर लेके गया है। उधर कुछ मुसीबत हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या गल हो गई है? क्या कह रिया था कि रतनलाल जौहरी की माँ तो हवेली में है। और नहीं होए? हाँ हाँ। और नहीं नहीं? हाँ हाँ। और नहीं होए? अब लड़का बता दिया दोस्ता। तुझे कैसे मालूम वो रतनलाल जौहरी की माँ है? अरे लड़का बता दिया था। ओए वो बच कैसे गए होए? लगता है अभी बहुत कुछ दबा रखिया उसने। 22 कमरों की हवेली है उसका, कहीं छुप गई होगी। एक एक कमरा छान मारा राम ने। ओए तू जा उसको बुला लिया। ओए उसनु उसनु किसनु? ओ किसनु उसनु? ओ किसनु उसनु? ओ किसनु उस मुंडे नु? नाम की है उस मुंडे का? जावे पहलवान। ओ जावे पहलवान को बुला लिया। ओए उस्ताद पहलवान तो आप हो। ओ जावे जावे जावे। ओ चाय पिला ली मैं। पिलाया तारीफ थोड़ी? अरे थोड़ी क्यों, पूरी कर देते हैं। वक्त के साथ हम भी ऐ नासिर। अरे वाह। वक्त के साथ हम भी ऐ नासिर। वाह वाह वाह। हार खस की तरह बहाए गए। वाह 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 वाह। आपकी तारीफ। नसीब कौम दा कादिमा। फिर तो आपसे डरना चाहिए। वो क्यों? खादिमों से डर लगता है मुझे। की मतलब है? क्या हुआ वे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुसी लोगों नु रतनलाल जौहरी दी हवेली अलाट हुई है? अलाट हुई होए? जी हाँ। सुनिया उसमें बड़ा झगड़ा है, बड़ा पौड़ा पै गया। पौड़ा? आपकी तारीफ। ओए अली में। अरे पहलवान को गली का कुत्ता की सोची है? अजी बुढ़िया है, कहती है हवेली में ही रहेंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। अब्बा कस्टोडियन के दफ्तर गए थे, दफ्तर वाले कहते हैं हवेली खाली कर दो, दूसरी दे देंगे। वाह ये चंगी गल है, बुढ़िया से खाली नहीं कराएंगे, तुमसे कराएंगे। फिर क्या? हम बड़े परेशान हैं। ओ इसमें परेशानी की तो कोई बात ही नहीं है। नहीं है तो फिर करे क्या? ओए रोए तू कुछ नहीं कर सकता, करेगा वही जो कर सकता। ओए क्या क्या मतलब? साफ साफ सुन ले, जब तक बुढ़िया जिंदा है हवेली विच तुहाडा कब्जा हो नहीं सकता। नहीं हो सकता? और बुढ़िया से तुम लोग निमट नहीं सकते। नहीं सकते? असी उसनु ठिकाने लगा सकता है, पर वो भी आसान नहीं है। नहीं है? पहले जो काम मुफ्त में हो जाया था, अब उसके पैसे लगते हैं। पैसे लगते हैं? समझे? हाँ समझ गया। अपने अब्बा नु कह 2000 रुपए दे, लालच में कहीं लक्का दी हवेली हाथ से ना निकल जाए। समझा? जाओ। यार अलीम चाय पिला यार।
बराबर हाँ। मैंनो माँ जी कह के बुलाया था, माँ जी कह के। अच्छा अच्छा बैठिए की किया बेबुआ, मेरा मतलब बैठिए बैठिए माँ जी। मैं कह रही सी छोटी मोटी बीमारियां दा इलाज था मैं अपने कोल ही रख दिया, रात बिरात कदी तेनू जरूरत पे तो मेरे तो मांग लिया कर। अरे भैन क्या पूछूं? अरे वही पूछ की पूछना की पूछना। अरे पूछ दादी, वो पड़ोस के मकान में हिदायत दियो है ना? केड़े मकान में? ओ गजाधर वाले मकान में? हां दादी वही। हां हां वो कह रही थी कि उन्हें एक कोकरी टोले चाहिए। दादी की क्या मियां मियां मेरी है एक कोकरी? दादी वो एक की टोकरी एक टोकरी टोले चाहिए, वो कल लौटा देगी। आप कहिए तुम पैसे देने के लिए भी तैयार है? ले पर ऐसे जो कुछ नहीं की गल है, तुसी नीक नहीं तुसी दो टोकरे दो ना। मैं ठीक है दादी, जा जाके देखिए अपना। बुआ ओ बुआ, अच्छा तो बुआ फिर बुआ अच्छा माँ जी वो यहाँ रूई कहाँ मिलती है? रूई दाता पुत्र ऐसे बहुत बड़ा बाजार है, देख तू अपने मुंडे और की नाम दा जवेद, जवेद नू कह इधरों प्रेसिडेंसी रोड ते निकल जावे, उथे ओ गली हरिओम पहुंचेगा। उधरों मुड़ के छत्ता का अकबर आऊगा। अच्छा उथे दो गलियां जांदियां ने, एक सज्जे ते एक खब्बे दिखाई देनियां। ठीक है एक है गली रुई वाली, उथे सैकड़ों रुई दियां। कैसे हो बेटा? दुआ है आपकी, शुक्र है अल्लाह का। पुत्र लाहौर विच सब कुछ मिलता है, जब भी किसी चीज दी तेनू जरूरत पे ना मेरे तो मांग लेना, चप्पे चप्पे तो वाकिफ हां मैं लाहौर दे। हैं चल दिया पुत्र। जी मां जी, मां जी जी। ये क्या मजाक है, हम इनसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में हैं, अब आप उन्हें गले का हार बनाई हुई हैं। देखिए इनका इस घर में कुछ नहीं है, एक सुई भी नहीं है, सब कुछ हमारा है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेगम इस तरह से आप दबती रही तो एक दिन हमारे हाथों से ये हवेली निकल जाएगी। जावेद ने बात कर ली है। क्या बात कर ली है? इनका हवेली से निकल जाना ही बेहतर है, कल इनका कोई रिश्तेदार यहाँ पहुंचा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे कैसे पीछा छुड़ाएंगे? जावेद ने बात कर ली है। अरे भाई किससे बात कर ली है? क्या बात कर, कहाँ ले जा रहे हो? वो लोग 1000 रुपए मांग रहे हैं। 1000? हाँ। 1000 तो बहुत बड़ी रकम है। जी पर इस बुढ़िया से पीछा छुड़ाने के लिए और कोई रास्ता भी नहीं है। नहीं या अल्लाह, इतना बड़ा गुनाह, मेरे जवान जान बच्चे हैं, मैं इतना बड़ा पाप अपने सर पे नहीं ले सकती। क्या बकवास कर रही हो आप? नहीं मिर्जा साहब नहीं, जब हम किसी को जान दे नहीं सकते तो उसे 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 छीनने का क्या हक है हमारा? नहीं मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। अब आप ही देख लीजिए मिर्जा साहब, आपको बच्चों की सौगंध, आप प्लीज ऐसा मत होने दीजिएगा, आप कतई ऐसा मत होने दीजिएगा। Thank you.
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਿਕੰਦਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁਚਾ ਜੌਹਰੀ ਚ ਰਤਨ ਲਾਲ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ? ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਸੇ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਾਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਹਵੇ ਹੀ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਆਪਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ? ਯਹ ਆਪਕੋ ਕਿਸਨੇ ਪਤਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜਾਵੇਦ, ਜਾਵੇਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਪਰੀ ਹਵੇਲੀ ਮੇਂ ਰਤਨ ਲਾਲ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਮਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਫਰ। ਅੱਛਾ, ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪ ਵਹੀ ਹੈ ਜਿਸਸੇ ਜਾਵੇਦ ਮੀਆਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਥੀ? ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੋ ਜਨਾਬ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਬਤਾਇਆ ਆਪਨੇ? ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ? ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ। ਤੋ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ, ਆਪਕੋ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਕੀ ਉਪਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਸਿਰਫ ਉਨ 11 ਕਮਰੋ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਮਦਦ? ਪਰ ਲੱਗੀ ਬਲੇ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਮਦਦ? ਕੈਸੀ ਮਦਦ? ਹਮ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਸੁਣ ਲਓ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝੋ, ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਮੇਂ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਕਾਫਰਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ। ਦੇਖੀਏ, ਯੇ ਹਵੇਲੀ ਪੂਰੀ ਕੀ ਪੂਰੀ ਹਮੇ ਅਲਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸਮੇਂ ਕਾਫਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹੇ। ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਓਏ। ਓ ਚਲੋ ਓਏ। ਕਿਉਂ ਸਰ, ਇਹ ਲੋ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਇਹ ਵਹੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਥਾ ਜਿਸਸੇ ਜਾਵੇਦ ਮੀਆਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਥੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਉਨਸੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿਆ ਥਾ ਕਿ ਹਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਨਕੋ ਉਨ 11 ਕਮਰੋ ਕਾ ਲਾਲਚ ਯਹਾਂ ਪੇ ਖੀਚ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਆ ਮਤਲਬ? ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਣੇ ਲਗਾ ਕਿ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਕੀ ਉਪਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਨਹੇ ਅਲਰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਇਹ ਵੀ ਖੂਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਾਨ ਦੋ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਕੈਸੇ ਅਲਰਟ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ? ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਥਾ। ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਕਾ ਖਾਦਿਮ ਬਣਨੇ ਲਗਾ, ਕਹਿਣੇ ਲਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਮੇਂ ਇੱਕ ਕਾਫਿਰਾ ਕੈਸੇ ਰਹਿ ਸਕਤੀ ਹੈ। ਜਾਤੇ ਜਾਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਤਨ ਕੀ ਮਾਂ ਕਾ ਕਾਮ ਤਮਾਮ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਅਜੀ ਮਰ ਜਾਏਂਗੇ ਹਮ, ਯੇ ਆਦਮੀ ਮਾਰ ਮੂਰ ਕਰ ਲੂਟ ਖਾ ਕਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪਕੜੇ ਜਾਏਂਗੇ ਹਮ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਕਰੂੰ ਮੈਂ? ਆਦਮੀ ਹਵੇਲੀ ਕੇ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੋ ਜਾਓ। ਸੁਣੀ, ਉਨਕੋ ਬਤਾਓ ਯਾ ਨਾ ਬਤਾਓ? ਭਈ ਬਤਾਨਾ ਤੋ ਹਮਾਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਵੋ ਕਹੀਂ ਯੇ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਯੇ ਸਭ ਹਮਾਰੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਤੁਮਨੇ ਤੋ ਮੁਝੇ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੇਂ ਡਾਲ ਦਿਆ। ਦੇਖੀਏ, ਉਨਕਾ ਇਸ ਕਦਰ ਰਹਿਨੇ ਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਜੀਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹੇ ਕੁਛ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਔਰ ਸੁਣੀਏ, ਵੋ ਉੱਪਰ ਅਕੇਲੀ ਰਹਿਤੀ ਹੈ, ਹਮ ਉਨਕੋ ਬਤਾਈਏ ਕਿ मुझे मालूम है उनसे क्या कहना है और क्या नहीं। ਕੜਕ ਚਾਏ, ਕੜਕ ਆਦਮੀ, ਕੜਕ ਸ਼ਾਇਰੀ,
सड़क रात। अरे सड़क रात के तो हम भी दीवाने हैं नासिक साहब, अभी भी नहीं चलिए। ओए अली में। अरे अच्छे मौके से आ गए बाबा। ओए एक चाय तो पिला यार। हाँ सर ठीक मैं भी। ओए तू भी क्या याद करेगा? अली में दो कप चाय पिला यार। अभी लाया। नासिर साहब गजल सुना रहे थे। ओए ऐसी क्या लेना देना इस गजल वजल नु, ये सब झूठियां गल्ला है। झूठियां गल्ला? झूठ क्या है और सच क्या है? वाह वाह वाह। कि झूठ क्या है और सच क्या है? वाह वाह वाह। कि झूठ झूठ है और सच सच है। बस हटो ये बेकार दिया गल्ला। पाकिस्तान में कुफर फैल रहा है और ये बैठे बैठे शायरी कर रहा है। शायरी कर रहा है उस्ताद? कैसे क्या हुआ? ओए वो कंबक दंदनाती फिर रही है। दंदनाती फिरती है? रावी विच नहाण जांदी है। नहाण जांदी है। पूजा भी करती है। पूजा करती है। सानू सबनू ठेंगा दिखाती है। ठेंगा दिखाती है। ओए 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 ते साडे कोल कुछ नहीं होता। ए कुफर नहीं फैल रिया तो और की है? की है? अगर इसे आप कुफर मानते हैं तो आपकी नजर में ईमान का मतलब पूजा ना करना। आपकी नजर में ईमान का मतलब रोज रावी में ना नहाना। आपकी नजर में ईमान का मतलब किसी को अंगूठा ना दिखाना होगा। क्या मतलब है नासिर साहब? आपको समझाना किसके बस का काम है जनाब? वो बुढ़िया दंदनाती फिर रही है, साडे घर विच जांदी है, साडी औरतां लड़कियां नाल मिलदी है। मिलदी है? उन्हां नाल गल्लां करती है। गल्लां करती है? उन्हां हिंदू मजहब दी गल्लां दसदी है। गल्लां दसदी है? किसी और मजहब की बातें सुनना कुफर है। तो क्या ये चंगी गल है? साडी बहू बेटियां हिंदू मजहब दी गल्लां सीखण। किसी और मजहब के बारे में मालूमात हासिल करना कुफर नहीं है। नासिर साहब सौती सीधी गल है, उसने भारत क्यों नहीं भेज दिया जाता? भारत भेजो, भारत भेजो। आप होते कौन हैं लोगों को इधर से उधर भेजने वाले? क्या आपने ठेका ले रखा है लोगों को इधर से उधर भेजने का? ये उसकी मर्जी है, वो चाहे यहाँ रहे या भारत जाए। ये देश जितना हमारा है उससे कहीं ज्यादा माई का हक है इस पाक से जमीन पर। और ये मत भूलो पहलवान कि उस नेक दिल औरत को अल्लाह मियां ने भेजा था तुम्हारे बेटे मोइन की तीमारदारी के लिए। दिन रात एक करके मौत के मुंह से खींच के लाई थी उसे। तब कहा गया था तुम्हारा वो मजहब हैं खामोश क्यों हो? आपसे तो बात ही करना फजूल है नासिर साहब। चलो रे चलिए। यार आलिम जी। नासिर साहब एक बात बताओ। पूछिए। क्या तुम इसलिए मुसलमान हो कि जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारे सामने मजहब की सारी किताबें रख दी गई और कहा गया कि इसमें से जो अच्छा लगे जो पसंद आए उसे चुन लो? नहीं नासिर साहब, मैं तो दूसरे मजहबों के बारे में कुछ नहीं जानता। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा जो मजहब है उसमें तुम्हारा कोई हक नहीं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम्हारा जो मजहब है, तुम्हारे माँ बाप का जो मजहब था वही तुम्हारा मजहब है, वही तुम्हारा मजहब है, वही तुम्हारा मजहब। बात तो ठीक है नासिर साहब। यार जिस बात में तुम्हारा कोई दखल नहीं है उसके लिए खून बहाना कहाँ तक जायज है? खून बहाना तो किसी भी तरह जायज नहीं है नासिर साहब। आओ ना यार इन पहलवानों को। अब यार एक गाली चाय और पिलाओ। अभी लाया हूँ, बनाता हूँ आपका।